अफ्रीकी व्यंजनों के अगर आप शौकीन हैं और आज भी अगर आप वहां के खान पान और मसालों को याद करते हैं तो आपके लिए यह हमारी रिपोर्ट किसी खुशखबरी से कम नहीं होगी। जी हाँ, बारबेक्यू नेशन ने इस बार वो कर दिखाया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बारबेक्यू नेशन लेके आया है अफ्रीकन फूड फेस्टिवल, जिसको हकुना मटाटा के नाम से ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। हकुना मटाटा बारबेक्यू नेशन का थीम फेस्टिवल रहेगा, जिसके अंतर्गत यहाँ पूरे बारबेक्यू नेशन को मानो दुल्हन की तरह सजा दिया हो। पंजाबी और अफ्रीकन गानों पे थिरकते ये नृत्य कलाकार खास तौर पे अफ्रीका से बुलाए गए हैं ताकि वो यहाँ के हकुना मटाटा फेस्टिवल में चार चांद लगा सकें। We'll be right back.
यहाँ पर मौजूद गेस्ट्स ने नृत्य का लुत्फ ही नहीं उठाया बल्कि खुद भी अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाए। चलिए फिर दोस्तों, देर किस बात की, आपको सीधे लिए चलते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ गेस्ट्स के पास और जानते हैं उनके आज के अनुभव के बारे में। आई एम डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम रोनी एंड आई हैव कम हियर टू एनएस टू द बारबेक्यू नेशन एंड द फूड इज डिलीशियस, सर्विस इज डिलीशियस एंड आई हैव एंजॉयड अ लॉट। दिस अफ्रीकन थीम इज गोइंग ऑन हियर एंड वी हैव एंजॉयड द अफ्रीकन डांस ऑल्सो। डांस वॉज वेरी नाइस। The costume that they worn was again very good. और मैं यहाँ पे आज पहली बार ही आई हूँ and I really enjoyed the place, especially the Hakuna Matata festival which is going on. The cuisine was very nice. The waiters were well dressed and very nice. And ambience, I just loved the ambience. It was really very nice. बहुत enjoy किया। जो dance था especially वो तो ultimate था। और वो सिर्फ डांस करके खुद ही नहीं चले गए, उन्होंने सब जितने भी लोग बैठे थे सबको डांस कराया। दैट इज वन द बेस्ट पार्ट। बारबेक्यू नेशन आज एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिससे शायद ही कोई परिचित ना हो, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अनलिमिटेड फूड के साथ साथ आप आए दिन कोई ना कोई नया फेस्टिवल जरूर देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।